दोस्तों, मैं कर्नल अमित कुमार हूँ और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इसको आप मेरी नैतिक जिम्मेदारी समझ लीजिए या रिटायरमेंट के बाद एक सोल्जर की आवाज़ सुन लीजिए। ये मौजूदा हालात को लेके है जो देश की हो रखी है। हर जगह देश जो है कभी किसी धर्म पे, जाति पे, इस पे ही बट रहा है। जो हम देख रहे हैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज और अपनी जो मीडिया, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या वजह हो सकती है, क्या इंटेंशन हो सकता है। पॉलिटिकल जो आजकल हमारा सिनेरियो है, इट्स अ पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज, सब अपने आप को बेच रहे हैं और बेचने के बाद क्या करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल यह है, सबसे पहले मैं अपने यूथ्स को बात करता हूँ, किसी भी चीज़ों में ना आइए, कोई भी बात भड़काने वाली नहीं हो सकती। अगर आप अपने संविधान को मानते हैं तो कोई भी चीज़ या कोई भी घटना होती है उसको संवैधानिक तरीके से करिए। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, वो है। दूसरा, आपकी आवाज़ आंदोलन के थ्रू तब पीसफुल प्रोटेस्ट करिए या फिर कोर्ट के थ्रू करिए, PIL है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ में लगने के लिए, खड़े होने के लिए या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी को डैमेज करने के लिए, फिर आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, वो आप अच्छी बात नहीं। दूसरा, जो पब्लिक सर्वेंट है, आप लोग अपने पुराने महकमे से वापस आइए। जितने यूथ सभी जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग ना ये जो सेट पैनल उसको तोड़िए। कोई भी कंप्लेंट या कुछ भी आती है आपके पास कोई एक्शन होने के लिए, फाइल को दबाना ही नहीं है आपको, केवल ये रखना है कि मेरे पास जो काम आ रहा है मैं उसे आज ही निकालूंगा। अगर ये सोच से आप सारे के सारे लोग काम करेंगे तो देश के लिए अच्छा करेंगे। जो आपके बच्चे हैं, जिनको आप कुछ शिक्षा दे रहे हो, जिस तरह से आप आ रहे हो, इसमें फौज से लेके किसी भी तरह का पब्लिक सर्वेंट, जो भी पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी जो भी, उस आदमी को ये सोचना है कि हमारा देश 75 साल होने के बाद 76वां साल चल रहा है हमारा, और हम आज भी वहीं रुके हुए हैं, आज भी सिस्टम हमारा फेल है। क्यों? क्योंकि हम फेलो इंडियन सिटीजनशिप जो होती है, जो एक फेलो इंडियन सोल्जर जो दूसरे सोल्जर के लिए फील करता है, जैसे हम लोग करते हैं फौज में, वैसे ही एक सिटीजन को भी दूसरे सिटीजन के लिए फील करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अभी समझने के लिए कि किस तरह से आप भाईचारा का रिश्ता बनाए। प्यार से बहुत कुछ हो जाता है, प्यार से कई कई चीजें ना चेंज हो जाती है, आप पूरा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। अब रही बात धार्मिक गुरुओं की, जो हिंदू में धर्म में या मुस्लिम धर्म में, सिख में, ईसाई में, आप लोगों का काम है कि आप ऐसा रास्ता दिखाइए बच्चों को या लड़कों को जो देश को तोड़ने की बात ना करे, जोड़ने की बात करे। और ऐसे लोगों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है। हर एक धर्म गुरु का ये काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं कि, और वो दिखाएंगे कि फेवर नहीं हो रहा है। दूसरा, यस, हम ये भी नहीं निकाल सकते कि कुछ लोग एक धर्म को, माइनॉरिटीज को कुछ जरूरत से ज्यादा बता रहे हैं। पीछे की ओर आप जाते हैं, उन्होंने ये किया, किसने क्या किया, वो सब भूल जाइए, आप आगे क्या करेंगे। और दूसरी चीज, जो हिंदुस्तान से मुसलमान गया नहीं यहाँ से, तो असली हिंदुस्तानी हुआ। और दूसरा, यही इसी पे काउंटर है कि जो बंदे यहाँ पे रह करके यहाँ का खा करके बाहर जगह गा रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, फिर आप गद्दारी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचने की जरूरत है आप लोगों को। मेरा यही आप लोगों से मानना है कि आप लोग किसी भी तरह को, आप एक अपने आप को मोहरा ना बनाए लोगों के लिए। बहुत टाइम हो गया वोटिंग करने, आप लोग जाते नहीं है। मैक्सिमम बंदे जो है वो वोटिंग नहीं करते, कहीं पर वोट बिक रहे हैं। आप लोग सोच समझ के देश को अगर अच्छा देखना चाहते हैं, अगर देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आज से अभी से आप लोग ये एक प्रण ले लें कि मुझे कुछ भी उल्टा सीधा कहीं भी नहीं करना है, अनटिल अनलेस मैं खुद सेटिस्फाइड ना हूँ। कोई भी व्हाट्सएप इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री या मीडिया की इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना है जब तक कि आप खुद अपनी आंखों से देख लें, कानों से सुन लें और परसीव करें माइंड से कि हाँ ये हो सकता है एक माइंड सेट, और पॉजिटिव रखें अपने आप को। मीडिया वालों से मेरा ये अनुरोध है कि प्रवक्ता बनने की आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग सब भूल रहे हैं। आज मैं अब चैनल्स नहीं देखता हूँ, क्या देखूँ चैनल। जब आप डिस्कशन कराते हैं तो मैं देखता हूँ एक पार्टी की तरफ से एक मीडिया का ही बंदा बोल रहा है, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। जुडिशियल सिस्टम, आज के टाइम में पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं। मैं लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं हो सकता। आप क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, CRPC में चेंजेस लाइए। जो आपके फेक केसेस हैं, आप प्रोसिक्यूशन विंग को अलग कर दीजिए, पुलिस को अलग कर दीजिए। पुलिस वालों को काफी फायदा हो जाएगा, वो भी बेचारे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दूसरा इन्वेस्टिगेशन एक ही केस में, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक ही केस में नहीं हो सकता एक बंदे से। और इसका खामियाजा क्या होता है, हर आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए चार्जशीट को आगे बढ़ा देता है। प्रोसिक्यूशन विंग होगा आपका, तो प्रोसिक्यूटर कई चार्जेस को वहीं खत्म कर देगा, केसेस बढ़ेंगे नहीं। ये सब चीजें, मुद्दे जो है ना, देश को खोखला कर रहे हैं। आज की डेट में जो इश्यूज आ रहे हैं कोर्ट में, वो इश्यूज आप देखिए, एक इश्यूज पे 50 पिटीशन आएंगी, फिर 5,000 हो जाएंगी हर जगह से, बट वो इश्यू डिसाइड नहीं होगा। अभी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन आप लोग स्टेट लेवल पे जब तक ये नहीं करेंगे,
या लोकल लेवल पे जब आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसको एक साथ केसेस को इकट्ठा करके नहीं इश्यू को सॉल्व करेंगे, ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे, फेक केसेस भी बढ़ते रहेंगे। बाकी जो यूथ है, जो एक एज इंडियन है, अगर आप प्राउड फील करते हो एज एन इंडियन, तो मेरी बार बार यही गुजारिश है, 100 मीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने 100 मीटर के दायरे में कोई भी बंदा भूखा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये रिटायर्ड फौजी कुछ समझ की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। मेरे अगर 100 बंदों को भी ये चीज़ बता दी तो मेरा काम हो गया। अब आपका काम है इसको ज़मीन पे करना, किस तरह से आप करना चाहते हैं। देश को जोड़ना है, साथ में मिल के चलना है और एक अच्छा देश बनाना है। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है, संवैधानिक तरीके से जो हमारी किताब बोलती है हमें उस हिसाब से चलना है। हर तरीके का एक तरीका है। आप लोग के प्रीवियस जितने लीडर्स हैं जिन्होंने हमें ये नेशन को आज दिया है, आज़ादी दी है, इस आज़ादी का मजाक ना उड़ाएं। हर एक आदमी को अधिकार है। पब्लिक सर्वेंट से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। ये जो आपके अंदर एक गुमान आता है ना रैंक का, अपॉइंटमेंट का, इसको निकाल दीजिए। आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। अगर गरीब आदमी आपके ऑफिस में आता है टाइम लेकर के और एक अमीर आदमी आता है, तो आपके इसकी आपको वो करना है कि आप दोनों को हेयरिंग दे रहे हैं और यहीं पे गड़बड़ी होती है। लोग आते नहीं है डर के मारे आपके पास। पुलिस का भी सेम। अगर आपको वो रैंक और अपॉइंटमेंट दिया हुआ है डंडा चलाने के लिए, उसका इस्तेमाल सही से कीजिए, डर ना बैठा रहे। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है SHO जहाँ पे बैठा हुआ है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को किस तरह से अच्छा करे, और अपने उसी से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लोग डरेंगे नहीं आपसे। तो हम सब भारतीय हैं, हमको इन सब चीज़ों पर बहुत विचार विमर्श करना है। मीडिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं कहीं पे भी हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है। 76वां साल चल रहा है, सुबह हर दिन होती है, तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए और इस मैसेज को पहुंचाइए बाकी लोगों के पास। मेरा काम हो गया, मैं तो अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर रहे हैं नहीं, आप लोग को डिसाइड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।